सीक्वेंस के बारे में कल पढ़ चुके थे कि सीक्वेंस ऑप्शन उस डोमेन इज अ नेचुरल नंबर. तो इसके बाद वी वांट टू डिफाइन नेक्स्ट एज अ जनरलाइजेशन ऑफ सीक्वेंस. नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हूज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द सीक्वेंस इज सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम एन आर्बिट्ररी सेट टू x. तो इसमें कुछ नया नहीं है ना, देयर इज नथिंग न्यू. ये क्या हो गया, एक सेट से दूसरे सेट में एक फंक्शन डिफाइन हो गया. और हमें क्या चाहिए, हमें कुछ इसमें एडिशनल स्ट्रक्चर चाहिए. तो वो एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर जो कि नेचुरल नंबर वाली प्रॉपर्टीज को भी पोजेस करे, इस तरह का हमें कोई एडिशनल स्ट्रक्चर चाहिए. तो मीनिंगफुल डेफिनेशन हमें मिले यहाँ पर जनरलाइज नेट की. ठीक है, मीनिंगफुल डेफिनेशन और जनरलाइज नेट रिक्वायर्स समथिंग एडिशनल स्ट्रक्चर ऑन द सेट ऑन दिस सेट डी आर्बिट्री सेट डी. तो देयर आर मेनी एडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा. बट हियर वी आर डीलिंग विद द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, सो वी कंसीडर ऑर्डर स्ट्रक्चर. ठीक है, वी कंसीडर ओनली ऑर्डर स्ट्रक्चर. तो ऑर्डर स्ट्रक्चर में जब हम इसको जनरलाइज करते हैं डी को, हम इस पर क्या क्या लगा सकते थे डायरेक्टेड सेट बनाने के लिए, जिससे हमारा पर्पज सॉल्व हो जाए, जो कि सीक्वेंस की भी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करे और सम मोर प्रॉपर्टीज हमारे पास आए, जिससे हम जो टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उनको सीक्वेंस के थ्रू या ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के थ्रू उसको हम डिफाइन कर सकें. क्योंकि इसके पहले सीक्वेंस के थ्रू हम वन में इंडिकेशंस कर लेते हैं, लेकिन अदर में नहीं हो पा रही थी, जबकि डेफिनेशंस के लिए दोनों चाहिए. तो जो हम जब इसको जनरलाइज करते हैं तो विषय ए फॉलोस ए फॉलोस दैट इज ए दिस इज नॉट ग्रेटर दैन फॉलोस. इसको कहते हैं ए फॉलोस बी या ए डायरेक्ट्स बी. ठीक है, दिस इज ए फॉलोस बी या ए डायरेक्ट्स बी. अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, हम किन किन रिलेशंस को यहाँ पर ले सकते थे जिनको हम डी इस डी को इक्विप्ट करें फॉर दैट रिलेशंस. तो फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू डी, ए फॉलोस बी, बी फॉलोस सी, देन दिस इंप्लाइज ए फॉलोस सी. दिस इज ट्रांजिटिविटी. सेकेंड है फॉर ए बिलोंगिंग टू डी, ए फॉलोज बी, और ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव. थर्ड वन है फॉर ए बी बिलोंगिंग टू डी, अगर दोनों में कोई ए नहीं होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी या बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और अगर बोथ हो जाए, सपोज बोथ हो जाए, तो उस केस में ये थर्ड वन. इसको कहते हैं एंटी सिमेट्री, एंटी सिमेट्री. फोर्थ वन ने अभी सुनिए, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू बी, एक्चुअली हम नेचुरल नंबर नहीं चल रहे थे, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टीज या इसको कहते हैं ऑड वे. ठीक है, ऑड वे. और यही बात में जब इन दोनों को ले लेते हैं तो दिस इज लॉ ऑफ डाइकोटॉमी में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोनों से एक डायरेक्ट रिलेशन एक अदर मिलना चाहिए. और लास्ट वन फिफ्थ है वेल ऑर्डर प्रिंसिपल, फिफ्थ इज वेल ऑर्डर, वेल ऑर्डर प्रिंसिपल, जिसमें फॉर गिवन नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एन देयर एग्जिस्ट एक्स
for a given non-empty subset S of n, we have A is greater than or equal to X. We have A is greater than or equal to X, as a minimum, there exists an X such that A is greater than or equal to X for all A. X, X का मेंबर है, A is always greater than equal to. This is a well ordered list. In five principles में से, we have to choose those principles which define directed set. ये five possibilities थी हमारे पास order relations की. इनमें से हमें choose करना था, और वो किस तरीके से choose करना है? We are confronted with a choice between generality and non-triviality. ऐसे result भी नहीं चाहिए जो कि बिल्कुल general हो और ऐसे भी नहीं चाहिए जो कि trivially satisfied हो. ठीक है? और कुछ results हैं जो कि होते ही होते हैं, जैसे reflexive या transitive हैं. तो generally trivial relations हैं. तो एक ये दो हो जाएंगे. और third हम choose करेंगे law of divergence. तो here the idea is that in defining convergence, the elements of the domain set should be getting larger and larger. ठीक है? The elements of the जहाँ जब हमने natural number लिखे थे तो क्या था? 1, 2, 3, 4 बढ़ता चला गया था. तो the elements of the domain set becomes larger. तो ये the definition of directed set is, a directed set is a pair. A directed set is a pair D directs. A directed set. A directed set prepared D follows relation or directs relation where D is a non-empty set, where D is a non-empty set and this is a directed relation. और ये रिलेशन इस तरीके से होगा, इट इज सच दैट एक्चुअली दिस इज अ बाइनरी रिलेशन. जो रिलेशन दो के बीच में डिफाइन होता है दैट इज अ बाइनरी रिलेशन. तो हमारे पास जब हम इसको जनरलाइज करने चले तो हमें नेचुरल नंबर की जो प्रॉपर्टीज की फाइव उन ऑर्डर रिलेशन में से हमें ऐसे रिलेशन चूज करने हैं जिनसे हमारा पर्पस सॉल्व हो. तो फर्स्ट वन था इसमें फर्स्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. Satisfies पहला है for all m and b belonging to D, m directs n, n directs p, implies m directs. ये transitive law. दूसरा हो जाएगा reflexive. और थर्ड आता है लॉ ऑफ डाइकोटॉमी. यही अलग है ना, दोनों से यही लॉ अलग है, लॉ ऑफ डाइकोटॉमी. थर्ड है फॉर ऑल एम एन बिलोंगिंग टू डी देयर एग्जिस्ट पी बिलोंगिंग टू डी सच दैट पी डायरेक्ट्स एम एंड पी डायरेक्ट्स लॉ ऑफ डाइकोटॉमी. और इसको कहा जाता है कि the relation this directs D. The relation this directs. ठीक है? इसको directs कहा जाता है या फिर इसको follows कहा जाता है. ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? ओनली इट्स द सिंबल. फॉर एग्जाम्पल एन यूजुअल ग्रेटर देन. अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं और
2 is greater than 1, 3 is greater than 2, 2 is greater than 1, इस तरीके से natural number में चुकी naturally greater than का पास चलता है ना. तो n पहला इसका example है, सबसे easy example direct follow होता है n greater naturally to greater where this is the the useful order. This is the direct process. ये तो clear है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Second one is which is used in just topological concepts, neighborhood star concept. तो अगर हम another example is neighborhood system. Another example is neighborhood system NX or point X belonging to X. Another example is the neighborhood system NX of a point X in topological space X. In topological space X. So, XT topological space is SPR net in X,
then S is said to converge to a point. Then S is said to converge to a point X belonging to X. If given any open set, spontaneous X, there exists M belonging to B such that for all M greater than equal to M, S can belong to at most
one form. Okay. Uniqueness of nets and uniqueness of the limits of nets and hardware. So, koi bhi space, a space is a hardware space if distinct points can be separated by disjoint neighborhoods. ठीक है, जो हाउस डार्कनेस की कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है, एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिसजॉइंट नेबरहुड्स, उसको हमें नेट के थ्रू कहना है। उसी में एक प्रॉपर्टी आती है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं एक ही पॉइंट में ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस आर यूनिक, तो उसको एनालाइज प्रूव करना है लिमिट ऑफ, और अगर हाउस डार्क होता था तो कैन कन्वर्ज टू एटमोस्ट वन पॉइंट, वहां पे पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा ना ये चीज कि अगर कोई स्पेस हाउसडार्क है देन ऑल सीक्वेंसेस इन इट कैन कन्वर्ज टू अ यूनिक पॉइंट, लेकिन अगर यूनिक पॉइंट है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका कन्वर्ज पार्ट हो, लेकिन जब हम नेट लेकर के चलते हैं तो बोथ वे इंप्लीकेशन यहाँ पर हो जाते हैं, तो यहाँ से नेट दिखाई देता है कि क्या डिफरेंस है दोनों। और सपोज हमें ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट इज first part suppose, let us suppose that x b dot out of space, suppose that x b a out of space, let s from d to x be a net. Collection of
concern. This is the directed session. Okay? This fear, this is your directed session. I mean, that one another x minus y. No, directed set. So this will be a directed set with inclusion relation. X of N or X of N, W. And that should
this new one. And that should be a substrate of B. So eventually what it is. Therefore there exists a net in X minus Y. Thus there exists a net in X minus Y converges to X. So which is a contradiction? So X not one point here, Y is a point. और जो हमने सपोजिशन किया है वहां पे क्या दिया है, नो नेट इन एक्स माइनस वाई कैन कन्वर्स टू पॉइंट इन वाई. तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. तो देयरफॉर वाई मस्ट बी ओपन. हमने एक सपोजिशन लिया, फिर लिया कि वाई ओपन नहीं है, फिर ओपन नहीं से लेकर के पूरा प्रूव किया. लास्टली हमें जो हमारा सपोजिशन था उसके कॉन्ट्रडिक्टरी रिजल्ट मिल गए कि वाई इज नॉट ओपन. ठीक है, देयरफॉर वाई मस्ट बी. जो नेट मिल रहा था दैट शुड नॉट कन्वर्स टू अ पॉइंट इन वाई, बिकॉज आवर सपोजिशन इज नो नेट इन एक्स माइनस वाई कैन कन्वर्स टू अ पॉइंट इन वाई. ठीक है, क्लियर हो गया होगा, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर वाई मस्ट बी. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हेंस वाई मस्ट बी. ये वन साइड का प्रूफ अलग अलग के लिए. कन्वर्सली कन्वर्सली लेट अस अस्यूम दैट कन्वर्सली लेट अस अस्यूम दैट वाई बी ओपन. कन्वर्सली लेट अस अस्यूम दैट y, then
माइनस वाई, जब वो वाई में हो जा रहा है तो एक्स माइनस वाई में कभी नहीं जा रहा, इवेंचुअली है ना ये, तो एट अ सर्टेन पॉइंट ये उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज वाई के अंदर जा रही है इवेंचुअली इन वाई, तो देयरफॉर एफ कैन इंप्लाइंग दैट, इंप्लाइंग दैट एफ कैन नेवर बी इन वाई, ओके, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन,